हेडिंग डालिए, बातें नहीं, बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज है दूसरी क्लास और आपने बेसिक टर्म्स में पढ़ना है रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ लिया था कल, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से सुन लेंगे। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला मुझे बताएंगे? रो। रो को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? और ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टेंस नेचर पे डिपेंड, ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगी? ओम। सिंबल क्या था? सिर्फ रेजिस्टेंस की ओम थी। रेजिस्टिविटी की रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, आर ए बाय एल, तो क्या यूनिट आई थी? ओम मीटर। ये निकाला था आपने रेजिस्टिविटी का, पक्का यही निकाला था। अच्छा, रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल करो, नाम अच्छा है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करो यानी कि 1 बाय आर करो तो क्या हो जाएगा? जी। जी को क्या बोलते हैं? टेंस। टेंस दोनों में लगा हुआ था। 1 बाय आर इज व्हाट? इट्स अ ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का दूसरा सिंबल क्या था? साइमन। और साइमन नाम उसी का नाम है, जॉर्ज ओम साइमन पूरा नाम था, तो कोई अलग साइंटिस्ट नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिख लिया था ना आप लोगों ने? अच्छा, यहां से प्यारे बच्चों आर का अगर मैं फॉर्मूला रखूं यहां पे तो क्या आएगा? जी इक्वल्स टू रो, रो नहीं, ए अपॉन रो एल, यही आएगा ना? अरे हाँ कि ना यार? अच्छा, ये है रेजिस्टिविटी। क्या है ये? एक सिंबल था, इसका सिंबल है रो, क्या है? एक था सिंबल कापा, क्या था? कापा। पूरा ढंग से बोला करो, के इक्वल्स टू 1 बाय रो, कापा इक्वल्स टू 1 बाय रो, के इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? कंडक्टिव। तो यहीं से इसकी यूनिट भी आ जाएगी, क्या आएगी? ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स का क्या हुआ था? साइमन मीटर इनवर्स। किसकी यूनिट है ये? के की। के को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी। सिंबल के नाम मत भूलिया करो, कंडक्टिविटी बोला करो। मैं कुछ और सुन लेता हूं, ध्यान से समझेंगे। यहां पे के का फॉर्मूला लिखेंगे, रो का फॉर्मूला क्या था? आर ए बाय एल, तो एल ऊपर आ जाएगा और आर ए नीचे आ जाएगा, यही था ना हमारा? अरे हाँ कि ना यार? अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपने लिख लिया था, हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जी जी स्टार एंड के, जी जी स्टार एंड के, क्या बात कर रहे हो? आर के था ना, आज हम कर रहे हैं जी जी स्टार एंड के। तो अभी अभी हमने पढ़ा 1 बाय आर एल बाय ए। प्यारे बच्चों मुझे बताएगा कोई, 1 बाय आर क्या है? यही था ना फॉर्मूला? अरे यहां से उठाया मैंने, ये लिख लो डायरेक्टली। 1 बाय आर क्या था? 1 बाय आर जी यानी कि कंडक्टेंस। और एल बाय ए क्या था? कल कराया था, जी स्टार। जी स्टार किसे बोलते हैं हम? सेल कॉन्स्टेंट को। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लेना, जी स्टार एल बाय ए, जिसको हम सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। 2 दिन ही रह गए हैं टेस्ट के लिए, आपको पूरी तैयारी करनी है। टेस्ट बहुत हार्ड आएगा, क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। के इक्वल्स टू जी जी स्टार आ जाएगा, याद रखेंगे। तो कोई भी रिलेशन आए कैसे भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रिलेशन हमने कल भी कराया था आपको, जब से जी स्टार यहां से निकला था ना, तो ये जो आर है ये इधर आ जाए, कराया था, तो क्या हो गया था? ये आर के इक्वल्स टू जी स्टार। और इसकी एक इक्वेशन भी बनाई थी हमने, क्या थी इक्वेशन? आर वन इंटू के वन इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन हमने कर लिया था कि नहीं कर लिया था? अरे हाँ कि ना यार? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, नहीं है क्या? हाँ जी, जो आप पढ़ने वाले हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा एम।
लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी में लिखेंगे प्यारे बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन मोल of electrolyte present in the given volume of the solution, present in the given volume of the solution, present in the given volume of the solution. प्यारे बच्चों lambda m का formula लिखेंगे आप लोग. lambda m किसका symbol है? इसका सिंबल लैम्डा एम है, फॉर्मूला होगा के यानी कि कापा डिवाइडेड बाय सी. सी को समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सी क्या है? पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, पाई इक्वल टू सी आर. सी क्या था? कंसंट्रेशन. यहाँ पे भी सी वही कंसंट्रेशन है यानी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है. इनटू में 1000 करना है आपने, यहाँ पे 1000 है बेटा, ध्यान से देखा करो. लैम्डा एम इक्वल टू क्या आया? के बाय सी इंटू, इसकी यूनिट बहुत ध्यान रखना. एक फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं यहां पे, लिख लो मेरे साथ साथ, लैम्डा इक्वल टू के बाय सी इंटू में 1000. दोनों में फर्क है थोड़ा सा, और क्या फर्क है मैं बताता हूं. हो गया यहां तक? लिखेंगे सी जो है वो कंसंट्रेशन है, अलग से लिख देता हूं. सी क्या है? कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन क्या होती है बेसिकली बेटा? मोलैरिटी. और मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम. के क्या है यहां पे? कंडक्टिविटी. अच्छा के की यूनिट कितने बच्चों को मालूम है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. सुनना ध्यान से, अगर कंसंट्रेशन किस यूनिट में हो? मोल पर लीटर में. कंडक्टिविटी किस यूनिट में हो? तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला, याद रहेगा इतना लिख लेना. और अगर कंडक्टिविटी की यूनिट चेंज हो जाए और ये हो जाए साइमन मीटर इनवर्स में, तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला. इसमें 1000 ऊपर है, इसमें 1000 नीचे. थोड़ा जल्दी करेंगे. ये दोनों फॉर्मूले याद करिए फटाफट से. हो गए याद? पूछने वाला मैं तुम लोगों से अभी. लैम्डा एम क्या होता है? मोलर, मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, हाँ जी. लैम्डा एम की यूनिट निकालिए. क्या नहीं हुआ वो मैं बता देता हूं अभी. देखिए क्या होता है ना, एक लीटर में सिर्फ यही चेंज नहीं होता ना, लीटर वाला ये जो लीटर है ना, ये भी मीटर क्यूब में चेंज हो जाता है. एक लीटर में एक मीटर क्यूब होता है, तो उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं. आपको बस इतना ही ध्यान रखना है. और ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब क्या हो यहां पे? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा. याद कर लो इसे, लैम्डा एम क्या है हमारा, और ये डेफिनेशन याद करो फटाफट से इसकी, जल्दी से.
लैम्डा एम की यूनिट निकाल सकते कोई बच्चा? देखिए यहां ध्यान दो प्यारे बच्चों, लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला है? इधर 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 के बाय सी। यूनिट निकालनी है तो हजार को इग्नोर कर सकते हैं, या अगर आपको हजार रखना है तो आप हजार रख सकते हो, हजार की कोई यूनिट होती नहीं है तो हम हजार को अभी इग्नोर कर रहे हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने क्या बताई थी? एक केस में क्या बताइए यूनिट, बताओ मुझे फटाफट। अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? साइमन मीटर इनवर्स, यही आएगा ना बच्चे। अच्छा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे हाँ कि ना यार। अच्छा ये बताओ, ये लीटर इनवर्स है, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? बेटा बोर्ड पे ध्यान देना एक एक चीज। साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय, यहां पे लिख दिया मैंने मोल और लीटर चला गया ऊपर। अरे हाँ कि ना यार। और सुनिए, आपको मैं बता दूं कि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? अब आप एक और बात समझेंगे, अगर मैं यहां पे इस नंबर को इग्नोर करूं तो मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं हम? यूनिट कन्वर्जन है ना, वैल्यू चेंज छोड़ दो, आप लोग दिमाग मत लगाओ। तो लीटर की जगह आप क्या लिखोगे? मीटर क्यूब। तो अब यहां पे बताइए क्या यूनिट आएगी? साइमन मीटर इनवर्स मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल। तो प्यारे बच्चों यूनिट निकल के आ रही है सामने, जल्दी से बताएंगे मुझे। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये कब की बात है? जब ये सारा सौदा किसमें है? मीटर में, ऐसा यूनिट में है। लेकिन ज्यादातर जो कन्वेंशनल यूनिट होती है, क्योंकि सेल इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, मीटर में नहीं होते हैं, तो ज्यादातर आपको लैम्डा एम की जो यूनिट देखने को मिलेगी, यानी मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या ये बात समझ आई? अरे हाँ कि ना यार। और सुनो नालायक को, इधर मेरी बात ध्यान से समझेंगे आप लोग सुनते नहीं है। देखिए इधर, ये जो सिस्टम है, ये जो फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? जब के किसमें बताया था मैंने? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो लैम्डा एम किसमें आएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कंसंट्रेशन किसमें होना चाहिए था? मोल पर लीटर में। याद रहेगी ये बात, कहीं पे भी कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा, यहां पे भी कंसंट्रेशन किस फॉर्मेट में है? जो ज्यादातर निकलेगा ही निकलेगा। के किस यूनिट में लिख दिया मैंने यहां पे? तो लैम्डा एम किस में आएगा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की वजह से हजार नीचे आ गया, तो मैं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों फॉर्मूले में मॉडिफाई करेंगे अभी आप लोग, जहां पे मैंने लिखा है ताकि आपको याद हो, और फिर ये लिखेंगे, जल्दी करेंगे। पहले क्या लिखना है वो लिख लिया आपने, पीछे वाला जल्दी लिखो। ये क्या ये हो गया है सभी का? जल्दी बताएंगे मुझे। चले आगे, नेक्स्ट वाला आपने लिख लिया है, यूनिट निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है, कल सब पूछूंगा ना, जब कुटोगे गंदे वाले। डन हुआ?
अरे हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला है? इनटू ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? क्या हो? साइमन सेंटीमीटर। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, लिखेंगे हजार को, अभी इग्नोर करें, हजार कब ऊपर लगाना है कब नीचे लगाना है ये यूनिट पे डिपेंडेंसी है, तो हजार को अभी हटाते हैं ताकि हम कुछ फैक्ट समझ सकें। ठीक है, लिखेंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय सी, सी की जगह आपको लिखना है मोल बाय वॉल्यूम, मोल लेना है आपको एक मोल, वॉल्यूम आपको वॉल्यूम की फॉर्मेट में ही रखना है। चलिए जल्दी करिए, तो बताइए लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? के बाय वन बाय वी, वन मोल बाय वी, तो वी ऊपर चला गया तो क्या आ गया? के इंटू वी आ गया। लैम्डा एम किसके इक्वल आया है? के इंटू वी के, के इंटू वी के, के क्या है? के क्या है? बोलो बोलो, के क्या है? कंडक्टिविटी। वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। अच्छा ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ध्यान से समझना आप लोग, है जी, ये हो गया क्या यहां तक? अब आपको दो बातें याद रखनी है बेटा। बात नंबर एक, जिसमें हम ज्यादा डिटेल करने वाले नहीं है, आपको समझना पड़ेगा ये, के क्या है? क्या बताया मैंने? के, बोलो यार जल्दी बोलो, इस टॉपिक से निकलना चाहता हूं मैं। कंडक्टिविटी इज व्हाट? नंबर ऑफ आयंस। क्या? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। बात समझना आप लोग, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी। यहां पे क्या शब्द यूज किया है मैंने? अब बोर्ड पे एक बार ध्यान दो फटाफट से। अगर मान लेते हैं हमारे पास चार आयंस हैं, फोर आयंस हैं, कितने आयंस हैं? और एक लीटर पानी में है, वन लीटर वाटर के अंदर है, और इसके अंदर मैंने क्या किया? दो लीटर पानी और ऐड कर दिया, या ये काम करते ना, एक लीटर पानी और ऐड कर दिया, वन लीटर और ऐड कर दिया। अब बताओ, अच्छा सुनो 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 सुनो, यहां पे मुझे बताओ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? चार बाय एक, चार आयंस एक लीटर में, अरे हां कि ना यार जल्दी बता दो, पर लीटर। ठीक है, मैंने इसमें पानी मिला दिया, अब सिनेरियो क्या है? क्या मैंने आयंस निकाले हैं या नहीं निकाले? तो आयंस कितने हैं अभी भी, लेकिन वॉल्यूम अब कितना हो गया? पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो बेटा आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? जल्दी बोल, चार अपॉन में दो काटेंगे कितना हो गया? दो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यही बात है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया? ये क्या शब्द है यार बता दो मुझे, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, ये क्या है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? अगर मैं पानी ऐड कर रहा हूं तो मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं या कंसंट्रेट कर रहा हूं? जल्दी बताओ मुझे। अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो क्या चीज हुआ ऐसा जिसकी वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी कम हो गई और इसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई? रीजन बताओ मुझे। नंबर ऑफ आयंस नहीं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गई? यहां पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो जितना ज्यादा मैं डाइल्यूट करूंगा, डाइल्यूट मतलब, डाइल्यूट मतलब पानी ऐड करता रहूंगा, उसे फीका करता रहूंगा, समझ आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? क्या कंक्लूजन निकला इस पूरी कहानी का? एक बात बताओ मेरे को, रिलेशन बताना के का और डाइल्यूशन का, इनवर्स या डायरेक्ट? डाइल्यूशन हो रही है, डाइल्यूशन हुई कंडक्टिविटी, तो रिलेशन कैसा है? क्या ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को? अच्छा एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, पहले वॉल्यूम कितना था, अब वॉल्यूम कितना है? कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का रिश्ता बताओ, क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बता दो मुझे, दोबारा बताऊं,
नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी। समझ में आई बात? लिखिए फटाफट से, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम और डाइल्यूशन because number of ions per unit volume decreases. फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद ये लिख लो सब कुछ जो भी बोर्ड पे है, और ये दो बात तो जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन को इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम को क्या होता है, इंक्रीज करना। दूसरा, कंसंट्रेशन को क्या होता है, डिक्रीज। तो ये तीन बातों में से कोई भी एक बात बताई जाएगी आपको, और उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इन बातों का आप ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल कराई है। आपको अटपटी लग रही होंगी कि 1000 ऊपर कर दिया, ये क्या हो रहा है। अभी सब समझ आएगा जब हमारे को पहला असाइनमेंट मिलेगा, तो आज तो नहीं मिल रहा है। टेंशन मत लो, टेंशन ले लेते हो तुम सब ज्यादा। बाकी टेस्ट की अपनी अच्छी तैयारी करो। ये हो गया सभी का, क्या समझ में आया अभी तक की कहानी में, क्या समझ में आया? मैंने आज तक अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया? एक लैम्डा एम का फॉर्मूला पढ़ाया। लैम्डा एम क्या है? KYC मोस्ट प्रोबली इनटू 1000 होगा क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। लैम्डा एम की यूनिट अगर वो 1000 ऊपर है तो क्या आएगी? ओके, अब हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? के की। के क्या है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस शब्द का मतलब समझ रहे हो? मैं वॉल्यूम से डिवाइड करना है जितने भी आयंस होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उसे डिवाइड करना। अगर जितने भी थे उसके अंदर अगर मैं पानी ऐड करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं कंसंट्रेशन को, मैं क्या कर रहा हूं वॉल्यूम को, तीनों बात एक ही है। जिसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा यहाँ पे, आयंस उतने ही रहे, अरे हाँ कि ना यार, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू और कंडक्टिविटी भी, यहाँ पे कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? याद रहेगी जीवन भर, पक्का याद रहेगी। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा आपने करा। मुझे बताइए क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था? ये फॉर्मूला अपने आप लिखिए, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन डाइल्यूशन। हम जो मैं बढ़ाने जा रहा हूं ना, बड़े ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। आप दो फॉर्मूले से बता सकते, एक लैम्डा एम का फॉर्मूला आप बता रहे थे K/C, 1000 ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को डिकोड किया था हमने, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या लिखा था अपनी नोटबुक पे देख लेना, K into V, क्योंकि मोल्स हमने क्या लिया था, अरे यार मैं दोबारा बताऊं, फॉर वन मोल, यही था ना, नीचे वन मोल आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम, यही था ना, ये वॉल्यूम पलट के ऊपर चला गया था। तो बेटा लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला आ गया था लास्ट में, के इंटू वी। पक्का? इसे बड़ा खुला खुला और बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, ताकि इसमें मैं पूरी कहानी आपको समझा पाऊं और आप भी समझ पाओ, और आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक आध नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बता दोगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते नहीं, पर बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये तो लिख ही लिया था आप लोगों ने, हम चलते हैं आगे।
मेन फोकस मेरा इस कहानी पे है। यहां पे तीन चीजें दिख रही हैं आपको, कौन कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और वॉल्यूम। आप ध्यान से और सोच समझ के बात करना और बिल्कुल दिमाग लगा के, बिल्कुल दिमाग लगा के आंसर करना है। मैं कह रहा हूं कि मैंने ना डाइल्यूशन करी, क्या करी मैंने? मैंने क्या किया? डाइल्यूशन किया मतलब वॉल्यूम में, वॉल्यूम में क्या आया है? वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आया, ध्यान से समझना, अभी अभी आप पढ़ के आए हो पीछे, वॉल्यूम का और के का क्या रिश्ता था? लिखा था ना अपनी नोटबुक में, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो के पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, वॉल्यूम के बढ़ने से के में, क्या ये बात समझ आई है दिमाग में? वंस बेटा ऊपर देख, लिखियो बाद में, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। देखो वॉल्यूम आपने बढ़ाया, ये चेंज आपने किया है, कैसे चेंज किया है? डाइल्यूशन को, डाइल्यूशन कैसे किया है? पानी डाल के। वॉल्यूम आपने बढ़ाया, आपने चेंज किया, आपको कहां कहां पे चेंज देखने को मिलेगा? अच्छा बताओ, लैम्डा एम का वॉल्यूम के साथ रिश्ता कैसा दिख रहा है ना? तो अगर वॉल्यूम बढ़ाया है तो लैम्डा एम भी क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन 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 किसमें फर्क आया? के क्या कह रहे? वॉल्यूम और के का रिश्ता कैसा था? तो के तो कम होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? तो के कम हो जाएगा। अगर ऐसा समझो, लैम्डा एम बेचारा के पे भी डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? के क्या कह रहा है, के क्या कह रहा है इसको, लैम्डा एम को क्या कह रहा है? कम होने के लिए, ज्यादा होने के लिए। और वॉल्यूम क्या कर रहा है? क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यानी लैम्डा एम दो तरह से गेम खेल रहा है, वॉल्यूम की वजह से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन के की वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज। ज्यादा इफेक्ट किसका है? हाँ, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम वाली लाइन क्या कर दी है, बड़ी। इन दोनों का नेट इफेक्ट लिख दूं यहां पे, नेट इफेक्ट येलो लाइन से क्या कंक्लूजन निकला? लास्ट लाइन का कंक्लूजन निकला, ये क्या है, क्या हुआ यहां पे? एक मिनट, एक मिनट, यहां पे क्या शब्द है? ऑन डाइल्यूशन। जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं क्या चीज इंक्रीज हो जाती है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, या फिर यूं कहें कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से के यानी क्या हो जाता है, जिसकी वजह से लैम्डा एम क्या हो जाएगा? क्या ये बात याद रहेगी? अगर सिर्फ तुम्हें ये याद रहेगा तो मुझे पूरा पैराग्राफ लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बताओ मैं लिखवाऊं या याद रहेगा? पक्का याद रहेगा। मैं दोबारा पूछता हूं, डाइल्यूशन में के डिक्रीज या इंक्रीज? लैम्डा एम इंक्रीज होगा, के याद रहेगी ये बात? ये जल्दी से लिख लो फटाफट से, ये सारे तीर के अपने अलग मतलब है, अगर ये तीर तुम वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना तो नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ जी, वॉल्यूम डोमिनेंट है यहां पे, डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है बिल्कुल ही, बिल्कुल स्टेट डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब वन बाय वन फैक्टर नहीं है, समझा? नहीं, जैसे तू ये कह रहा है ना कि अगर उसे दुगना किया तो वो भी दुगना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम की वजह से कंडक्टिविटी में डिक्रीमेंट कम है, इंक्रीमेंट ज्यादा है, तो वो वन ऑन वन नहीं है, फर्क है। इनवर्स डायरेक्ट तो हम वैसे बोल देते पर होता नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अरे हाँ कि ना, लिखवाना है क्या कुछ पक्का? पक्का लिखवाना है, हो गया ना सभी का? अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम गए समुंदर किनारे और अपने साथ एक लोटा ले गए थे, एक लोटा पानी भर लिया तुमने, और समुंदर किनारे क्या करने जाओगे? तुम लोग गलत क्यों सोचते? नमकीन पानी ले आया घर पे और तुमने बोला कि सभी घर में, सभी परिवार को कि भैया चेन्नई का समुंदर है, यहाँ के समुंदर से आप इसका पानी पीजिए। घरवाले ने बोला कि हमारा परिवार बड़ा है तो सबको ये पानी हम देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में
500 लीटर की टंकी थी, उसमें जाके वो लोटे का पानी डाल दिया। समझना ध्यान से, ये बात पता चली गली मोहल्ले वालों को, उन्होंने बोला क्या रे नहीं नहीं ये पानी तो हमें भी पीना है। तो वो 500 लीटर की टंकी उन्होंने सभी के घर में वो सप्लाई करवा दी। आप एक बात समझिए, मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो एक लोटा पानी लेके आए थे समुंदर का, ठीक है, इस एक लोटा पानी के अंदर क्या था मिला हुआ? नमक था, NaCl था, ठीक है। फिर उसे तुमने अपने परिवार के लिए एक जग में मिलाया, एक बाल्टी में मिलाया, बाल्टी से तुमने 500 लीटर वाली टंकी में मिलाया, फिर पूरे मोहल्ले को, पूरे नरेले को तुमने ये पानी पिलाना। आपने क्या किया? डाइल्यूशन किया, पानी ऐड करते गए। क्या कभी ऐसा होगा कि ये पानी जो सॉल्टी पानी है, जो खारा पानी है, वो मीठा पानी हो जाएगा जब इसमें पानी मिलाते गए? ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी है पॉसिबल? अच्छा समझो मेरी बात, समझो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। इसके अंदर क्या है ये? NaCl का टेस्ट कैसा होता है? क्या इसमें पानी मिलाने से इसका टेस्ट बदल जाएगा? इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, मैं ये मानता हूं। थोड़ा कम नमकीन हो जाएगा, थोड़ा और सॉल्टी कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब इसका जो सॉल्टीपन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। पर क्या कभी ऐसा होगा कि ये खत्म ही हो गया है, जीरो हो गया है? क्या इसमें से मैंने नमक को निकाल लिया है या अभी भी है? ऐसे समझो कोई मीठा है, कोई पानी थोड़ा सा मीठा है या ज्यादा मीठा है, कंसंट्रेटेड शुगर उसके अंदर मिला हुआ है। उसमें तुम पानी मिलाते जा रहे हो, जब पानी ऐड कर रहे हो तो उसका मीठापन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मिठास लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई उसमें कुछ मिला भी रखा था। पर एक बात बताओ, क्या तुमने उसमें से चीनी निकाली? जो सॉल्यूट डिसॉल्व था वो तो रहा ना उसके अंदर। यानी कि आप ये कहना, ये कर रहे हो कि वॉल्यूम को बढ़ाते गए, उसे मैक्सिमम तक लेके गए। मैक्सिमम कितना लेके गए? इन्फिनिटी लेवल पे लेके गए। कहां पे लेके गए? क्या वो इन्फिनिटी पहुंच गया? इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम हो गया, बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, पता ही नहीं चल रहा कि वो समुद्र का पानी है कि नाले का पानी है, पता ही नहीं चल रहा, सेम टेस्ट आ रहा है। और समझिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? तो कंसंट्रेशन मिनिमम हो गई। क्या ये जीरो होगी या जीरो को अप्रोच करेगी? जीरो कभी नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो मेरी बात सुनो, मैं जो तुम्हें बातें बताता हूं इनका पढ़ाई से बहुत लिंक होता है, तुम ध्यान से समझा दो। तुम मेन बात सुनते नहीं हो। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था? हजार को अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यूनिट्स पे डिपेंड करता है, हजार ऊपर आएगा या हजार नीचे आएगा। अब बताओ लैम्डा के को इग्नोर करो, ठीक है, के वैसे भी इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा, के को इग्नोर करते हैं। या फिर अभी मैंने एक बात लिखवाई, क्या लिखवाई? ऑन डाइल्यूशन, ऑन, तुम समझ नहीं रहे हो। लैम्डा एम का एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, के बाय वन बाय वी, वन मोल लिया था मैंने। अरे हाँ के ना यार, मैंने सोल्यूट के मोल वन मोल फिक्स किए हैं, यानी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, वॉल्यूम पल्ट के ऊपर चला गया। क्या ये फॉर्मूला लिखवाया है मुझे? तो क्या लिखा था यहाँ पे? के इंटू वी। मैं दो शब्द बोल रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, बाद में लिखना। मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं, डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, डाइल्यूशन के अंदर, डाइल्यूशन करा मैंने तो क्या किया? मैंने पानी मिलाया, पानी मिलाने से क्या चीज इंक्रीज हुई? वॉल्यूम। और कंसंट्रेशन क्या हुआ? समझना, मिलाता गया पानी, बहुत सारा पानी मिलाया मैंने। अरे हाँ कि ना यार, तो ये बताओ कंसंट्रेशन कम हुई? कितना कम हुई? अप्रोच टू मिनिमम लिख दू या जीरो लिख दू, ये बताओ। नेग्लिजिबल कर दिया, तो अप्रोच टू, अगर ये अप्रोच टू जीरो है, ध्यान से सुनना, अप्रोच टू, तो लैम्डा एम अप्रोच टू, अगर ये अप्रोच टू मिनिमम शब्द है, ध्यान से समझना यार, तो ये क्या होगा जल्दी बताओ मुझे? लैम्डा एम की वैल्यू कैसी होगी? बोलना, मैक्सिमम। क्या ये बात समझ आई? और समझिए, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती गई, अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर लैम्डा एम भी, वॉल्यूम भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो लैम्डा एम भी किस पे आएगा? इन्फिनिटी। ये अगर मैक्सिमम पे जा रहा है तो ये भी क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। वॉल्यूम का बढ़ना कौन सी फिनोमिना से इंस्पायर्ड है? कौन सा फिनोमिना है ऊपर? प्यारे बच्चों ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या लिखूं इसे मैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब शब्दों का खेल समझना, और तुम कहोगे कि अच्छा इतना आसान था ये, जब तुम पढ़ोगे ना
स्कूल में या स्कूल में पढ़ लिया होगा, और जो अब ये समझ में आने वाला है वो देखना तुम। अब ध्यान से समझना, जब सी को आपने जीरो कर दिया, जीरो हुआ नहीं है, अप्रोच है, क्या है उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कैसी रही? मिनिमम। कैसी रही? उस वक्त लैम्डा एम कैसा रहा? लैम्डा एम की वैल्यू कितनी रही? मैक्सिमम रही, जब वो जीरो को अप्रोच कर रहा था। अब जीरो रियल लाइफ में जीरो तो पॉसिबल नहीं है, कम ही होगी, थोड़ा बहुत कम होगा, पर ये जीरो पॉसिबल नहीं है। अगर ये जीरो पॉसिबल नहीं है तो ये इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये क्या पॉसिबल है? तो ये क्या पॉसिबल है? अब ध्यान से समझना, अब एक नया टर्म आया है जिसको बोलते हैं हम लैम्डा एम नोट। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझते रहना, लैम्डा एम नोट, या फिर इसका सिंबल है लैम्डा एम इन्फिनिटी। दोनों में क्या फर्क है बताओ? जब मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं, जीरो लिख रहा हूं, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? कंसंट्रेशन की। जब मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूं तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? वॉल्यूम। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और सिंबल है लैम्डा एम नोट। सिंबल है लैम्डा एम नोट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये लिख लिया ना, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ये जो लैम्डा एम है इसको क्या नाम दूं मैं? लैम्डा एम को क्या नाम दूं? मोलर सुनना बेटा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी है ये, क्या है ये? एट कितने पे? बस ये सुनना चाहता था। तो यहां पे इसका दूसरा नाम होगा मोलर कंडक्टिविटी, इसी का दूसरा नाम लिखो अपनी कॉपी में, डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं उसके बाद। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इट इज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और एट मिनिमम कंसंट्रेशन, मेरे को एक बात बताओ, लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा होगी या लैम्डा नोट एम की वैल्यू ज्यादा होगी? लैम्डा नोट, क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ है? मैक्सिमम वैल्यू है, और क्या हुआ है? डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करते हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई, लैम्डा एम की या लैम्डा नोट एम की? लैम्डा इन्फिनिटी एम की या लैम्डा नोट एम की? ये दोनों सेम है। यहाँ पे जीरो मतलब क्या चीज, क्या चीज जीरो दिखाने की कोशिश करी है? यहाँ इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे क्या डिफाइन, समझ में आई बात? दोनों में क्या सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, इसका नाम क्या है? देखो सुनो, मैंने बोला कि डाइल्यूशन करोगे, अरे हाँ कि ना, डाइल्यूशन करोगे तो क्या चीज बढ़ेगी? अरे यार, मोलर कंडक्टिविटी, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, सबको पता है, बचपन वाली बात मत करो। अगर मैं उसके अंदर डाइल्यूशन कर रहा हूं तो क्या चीज इंक्रीज होगी, के या लैम्डा एम? डाइल्यूशन किया, लैम्डा एम बढ़ गया, और डाइल्यूशन किया और बढ़ गया, और डाइल्यूशन किया, कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच जाएगी, तो उसकी एक लिमिट है मैक्सिमम पहुंचने की, मैक्सिमम पहुंचने की इसकी लिमिट है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लिमिटिंग मोलर कंडक्ट। अच्छा यहां पे देखो, मोलर कंडक्टिविटी एट
इतना पानी तुमने मिला दिया कि समुद्र का जो सॉल्टी पन था वही पता नहीं चल रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज व्हाट इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी एट। उसके बाद तुम कितना ही पानी मिलाते रहो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है। क्या ये बात समझ में आ गई है? आपको दो बातें मैंने बताई, क्या क्या? एक लैम्डा एम और एक लैम्डा नोट एम, या फिर लैम्डा, याद रहेगा। इन सारी बातों का कंक्लूजन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं फिर।